देखिए, एक्सेल में कोई भी हमें शॉर्टकट्स का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? डेफिनेटली हमारी जो कीबोर्ड की स्पीड है वो माउस से ज़्यादा होती है की प्रेस करने की। तो जब हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो एक तरह से हमारी वर्किंग जो है बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और दूसरा, माउस में हमें क्या होता है कि नज़र को हमेशा गड़ाए रखना पड़ता है स्क्रीन पे, और जबकि कीबोर्ड से हम बगैर देखे भी टाइप कर लेते हैं। तो इसका भी एक एडवांटेज मिलता है कि आप चाहे देखें या ना देखें, स्पीड बिल्डअप से मतलब है टोटल शॉर्टकट का। तो हमें कैसे पता पड़े कि शॉर्टकट्स को कैसे डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है कि आप जब भी माउस को किसी भी आइटम पे लेके जाते हैं, किसी भी ऑप्शन पे लेके जाते हैं, तो वहां पे या आपकी एक नोटिफिकेशन टाइप की आती है, ठीक है, स्क्रीन टिप कहते हैं इसे। तो स्क्रीन टिप में आपके मोस्टली शॉर्टकट्स लिखे होते हैं, ठीक है जी। बट ये जनरल है, ये नॉर्मली पता होते हैं हमें, ठीक है जी। ये आप जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए आ रहा है, पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनके लिए शॉर्टकट्स दिए नहीं गए हैं, तो उनको कैसे कर्सर से चलाएंगे, कीबोर्ड से चलाएंगे? तो उसके लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है आपके कीबोर्ड पे जो है ऑल्ट का बटन है, ये वाला बटन। जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हैं, सपोज आपने स्क्रीन पे ये की प्रेस की, तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन इस तरह से आ गए। जैसे ही आपने उसको प्रेस किया, ये ऑप्शन आ गए। ये ऑप्शन आ गए, आल्ट की प्रेस करके छोड़ दिया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, बॉर्डर्स में जाना है और यहाँ पे बॉर्डर लगाने हैं, ऑल बॉर्डर्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे होम टैब के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बटन दिखा रहा है एच, मैं एच को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एच को प्रेस किया, एक बार प्रेस करके छोड़ दिया, होम टैब के अंदर और ऑप्शन खुल गए मेरे। देन मेरे को कहाँ क्या करना था, बॉर्डर। तो बॉर्डर के नीचे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी, मैंने बी प्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है जी। अब ये ऑप्शन आ गए, ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या है, ए, ठीक है जी। तो ये आपका बॉर्डर अप्लाई कर देगा उस पर। अभी इस पर नहीं हुआ है क्योंकि वैसे अब मैं यहाँ मैन्युअली करता हूँ। ऑल्ट दबाया मैंने, एच दबाया, बी दबाया और ए दबाया, तो बॉर्डर आपका आ गया। इसी तरह से मुझे मर्ज एंड सेंटर करना है, मान लीजिए यहाँ मर्ज करना है, मैं क्या दबाऊंगा, ऑल्ट की प्रेस करके छोड़ दिया मैंने, फिर एच दबा के छोड़ दिया मैंने। देन मर्ज एंड सेंटर के लिए एम दिखा रहा है, एंड मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में यहाँ सी दिखा रहा है, तो मैं सी प्रेस करूंगा, सी प्रेस करते ही मर्ज हो गया। इसी तरह से अनमर्ज के लिए अल्ट एच एम यू आ जाता है। दूसरा, बॉर्डर्स गायब करने हैं तो अल्ट एच बी एन आ जाता है, ठीक है जी, नो बॉर्डर्स के लिए। तो इस तरह से आप ऑप्शन किसी भी चीज के बना सकते हैं, किसी भी, जैसे आपको डाटा में जाके फिल्टर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए या फिर क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस किया हमने, देन डेटा के नीचे दिखा रहा है ए, ए प्रेस किया मैंने, देन फिल्टर के नीचे दिखा रहा है टी, टी प्रेस किया मैंने, फिल्टर लग गया, ठीक है जी। हटाना है तो ऑल्ट ए टी, हट गया। तो जब ये पहली बार आपको टाइम लगेगा इसमें मास्टरी करने, थोड़ा सा मतलब उसको समझने के लिए, धीरे धीरे जब यूजेज में आते जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इन सब चीजों के साथ। तो इस तरह से हम, होम ओपन भी कर सकते हैं, होम कौन सा आपको ये चाहिए, ये होम ओपन हो जाएगा आपका। जैसे मैं डेटा में हूं, ऑल्ट के साथ एच प्रेस किया तो ये होम का टैब आ गया। दूसरा, अगर आप ऑफिस बटन की इसकी बात कर रहे हैं,
तो इसमें ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है एफ का यहाँ, ठीक है जी। तो हर जगह आपको ये ऑप्शन दिखाता है, पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ ऑप्शन नहीं दिखाता है। सच है, जब हम यहाँ कलर की बात करते हैं तो हर एक कलर के लिए तो कोड दे नहीं सकता। क्या करेंगे, ऑल्ट ऑल्ट दबाया मैंने, नंबर आ गए एच, और कलर के लिए क्या आ रहा है हमारे पास एच। तो हम देख रहे हैं इसमें नो फिल वगैरह देने के लिए तो है, बट कलर देने के लिए कोई नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, एरो की यूज कर सकते हैं, अपना वही पुराना फंडा, एरो की यूज करेंगे, जो कलर देना है एंटर कर देंगे, आ गया। अब हटाना है तो हमारे पास ऑल्ट एच एच एन तो है ही, ठीक है जी। मेरा मतलब ये है कि जिससे काम फास्ट हो आप वो यूज करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो सकता है कि शॉर्टकट्स आपके फास्ट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप माउस से ज़्यादा तेज करें, ठीक है जी। तो उस हिसाब से कर सकते हैं। ये तो बात रही कि हम टैब नेविगेशन कैसे करेंगे, ये रिबन में वर्क कैसे करेंगे। अब बात आती है डायलॉग बॉक्सेस की। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, जैसे नंबर या अलाइनमेंट का ये देख रहे हैं तो कंट्रोल वन करके हम इसको खोलते हैं। इसका कंट्रोल वन है फॉर्मेट सेल का जो है। अब ये डायलॉग बॉक्स नेविगेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है हमारे इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। ऑल्ट की में क्या किया था, ऑल्ट प्रेस करके हमने छोड़ दिया था, यहाँ कंट्रोल दबा के रखना है। देन हम टैब एक बार प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, नेक्स्ट टैब पे चला गया। देन अगेन टैब प्रेस किया, अगले टैब पे चला गया। जितनी बार आप टैब प्रेस करते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको अगर रिवर्स में आना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा देना है, देन आप टैब प्रेस करेंगे तो रिवर्स में आएगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि अब इसके अंदर के कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे रैप टेक्स्ट है ये लेना है, या श्रिंक टू फिल, या मर्ज सेल, ये सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है हर ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइन लगी हुई है किसी ना किसी करेक्टर के नीचे। इसका मतलब है कि जब ये ऑल्ट की पे एक्टिवेटेड है, अब ये वाले ऑप्शन जब भी आपको चलाने पड़ते हैं तो ऑल्ट की आपको प्रेस करके रखनी पड़ती है, मतलब ऑल्ट आप दबा के रखेंगे इस केस में। होम वाले केस में आपको दबा करके छोड़ना है, यहाँ पे आपको दबा के रखना है। तो ऑल्ट आप जब दबा के रखेंगे तो ये जो अंडरलाइन करेक्टर है वो आपको प्रेस करना है। तो ऑल्ट दबा के रखते हुए मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो रैप टेक्स्ट हो गया, अगेन डब्ल्यू प्रेस किया हट गया। ऑल्ट दबा के रखते हुए के प्रेस किया तो श्रिंक टू फिट आ गया, अगेन के प्रेस किया हट गया। अब मान लीजिए मुझे जाना है हॉरिजेंटल में, तो यहाँ एच के नीचे है तो ऑल्ट के साथ एच दबाया, खुल गया ये ऑप्शन। एरो की से मैं नेविगेट कर सकता हूँ इसके अंदर, जो भी ऑप्शन देना है वहाँ एंटर, एंटर से सिलेक्ट हो गया। देन अगेन आपका जो ये होता है, ये ग्रीन एरिया आप देख रही हैं, इसका मतलब है कि आपका ओके जो है वो एंटर पे सेट है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये बटन दबेगा, एस्केप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी एंट्री। तो एंटर प्रेस करूंगा ओके हो जाएगा, और अगर एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये बिना अप्लाई किए बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम डायलॉग बॉक्स को नेविगेट करते हैं, इसी तरह से हम जैसे प्रिंट प्रीव्यू है इसमें हम क्या करते हैं, ऑल्ट एफ यहाँ पे आ रहा है, डब्ल्यू प्रिंट के आगे देखेंगे ऑप्शन के लिए, डब्ल्यू वी, तो एफ डब्ल्यू वी जो हो गया, ऑल्ट एफ डब्ल्यू वी हमारा शॉर्टकट हो गया इसके लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए अब हमारे पास जो ऑप्शन है ये है पेज सेटअप का, तो और क्या है इसका, ऑल्ट पी एस पी, ये ऑप्शन आ गया। और इसमें लैंडस्केप करना है, ऑल्ट दबा के रखते हुए एल दबाया, फिट टू स्क्रीन फिट टू वन पेज करना है, ऑल दबा के रखते हुए एफ दबाया, देन एंटर किया और ये सारी सेटिंग हो गई, ठीक है जी। एस्केप से मैं बाहर आ गया। इसी तरह पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, नॉर्मल में आ गया, काफी सारे काम आप कीबोर्ड से फटाफट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप अपने कुछ शॉर्टकट्स जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं अपने पास क्विक एक्सेस में, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं।
जैसे मैंने शॉर्टकट इसका दे रखा है, फिल्टर का दे रखा है यहाँ, और पेस्ट वैल्यूज का दे रखा है, पेस्ट वैल्यूज करते हैं ना पेस्ट एक्सप्रेशन में, वो दे रखा है। तो इसका मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से पता पड़ेगा कि और शॉर्टकट हमें जानने हैं कि जो चीज़ नहीं है। जैसे हमें ये जानना है कि अगली शीट पर कैसे जाते हैं, वैसे जाते हैं कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन दबाएंगे, पेज अप आगे जाएगा, पेज अप पीछे जाएगा, पेज डाउन आगे जाएगा, ठीक है जी। शीट ऐसे बदल सकते हैं। और आपको अगर एक लिस्ट चाहिए पूरी, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F1 दबाएंगे तो एक हेल्प खुल के आ जाएगी। यहाँ पे डाल दीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ है, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, ठीक है जी। इसको खोल लीजिए, इसमें देखेंगे आप अलग अलग आपको शॉर्टकट दिए हुए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कैसे चलेंगे, कंट्रोल के साथ मतलब हर एक शॉर्टकट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंट्रोल के साथ के सारे शॉर्टकट हैं, देन F1 से क्या होता है, Alt F11, तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग आपको दे रखे हैं यहाँ को, एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो सारे शॉर्टकट्स यहाँ दिए हुए हैं। दूसरा एक्सेल कभी भी हम जानते हैं, एक्सेल में हमें पढ़ने के लिए अभी हमें एक और चीज पता होना चाहिए, शॉर्टकट्स तो इतना ही है, और एक पता होना चाहिए लिमिट्स। F1 में जाके हम एक्सेल स्पेसिफिकेशन लिमिट चेक कर लेंगे, इसको भी एक बार रेफरेंस के लिए जो जान लीजिए कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीज होती है, तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा एक्सेल के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कि वर्कशीट का साइज कितना होता है, कितनी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, रो की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कॉलम विड्थ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितने पेज ब्रेक्स आ सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। सॉर्ट रेफरेंसेस, कितने आप सॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लिमिट्स हैं कुछ, डेट की कैलकुलेशन कितनी हो सकती है, मतलब लास्ट से लास्ट आप जनवरी 1, 1900 से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम ऑल आउट डेट ये है 31 दिसंबर 1999, तो इसकी लिमिट्स हैं, इसकी लिमिट्स हैं, ये आपको अभी नहीं, जब आप VBA वगैरह सीखेंगे तो उस समय काम आएंगी, क्योंकि वहां पे आपके पास ऐसी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, आपको खाली कोड लिखना है वो अपने आप काम करेगा, तो वहां पे लिमिट्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार कोड नहीं बैठता सही से, तो एटलीस्ट हमें कहाँ ढूंढना है वो पता होना चाहिए, तो एक बार रेफरेंस के लीजिए जान लीजिए इसको। देन इसके बाद मैंने आपको बताया शॉर्टकट्स एंड लिमिट्स, एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो कि हमारी विंडोज में है। विंडोज देखिए, हम लास्ट टाइम शॉर्टकट से अपडेट हुए थे जब हमने कंप्यूटर सीखा था, उसके बाद हमने आज तक नहीं देखे शॉर्टकट। आप क्या कीजिए, डेस्कटॉप पे आके F1 प्रेस कीजिए और सेम कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ के इसके भी जान लीजिए, तो इससे क्या रहेगा कि आपको स्पीड बिल्डअप में आसानी रहेगी, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के यहाँ शॉर्टकट मिल जाएंगे, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे अब ये विंडो की वाले, जैसे विंडो लोगो की के साथ जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये नए आए हैं इनको देख लीजिएगा, जैसा इसमें आपको जैसे ये मिलेगा शो डेस्कटॉप का, XP में इधर होता था, इसमें यहाँ पे यहाँ कोने पे है, सबसे कोने पे इधर है ये बटन है शो डेस्कटॉप का। दूसरा आपके सामने ये नेविगेशन, तो ये कैसे करना है, ठीक है जी। जैसे ये चलेगा आपका, अगर मैं फोल्डर खोलना है मुझे तो विंडो 2 दबाऊंगा, ठीक है जी, जो जिस नंबर पे है। आउटलुक खोलना है विंडो 3 दबाऊंगा, एक्सेल खोलना है विंडो 4 दबाया मैंने, तो ये शॉर्टकट से अपडेट हो जाइए ताकि आपको नेविगेशन में आसानी हो। दिन बात करते हैं कस्टमाइजेशन, इसकी सेटिंग्स के ऊपर, एक्सेल की सेटिंग्स देखते हैं। ये वो ऑप्शन है जो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको भी डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब कई बार एक्सेल हम पूरी तरह से फॉर्मेट कर डालते हैं अगर नहीं पता होते हैं। तो पहली चीज देखते हैं, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, व्हेन आई सिलेक्ट दिस, तो
एक मुझे टूल बार मिलती है, इसको कहते हैं मिनी टूल बार। ये बाई चांस आपकी गायब हो गई है, हालांकि आप हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं, बट मान लीजिए आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन में नहीं आ रही, अगले की स्क्रीन में आ रही है, तो कहाँ से एक्टिवेट होगी ये? अब यहाँ फाइल बटन या ऑफिस बटन पर जाएंगे, देन यहाँ पे चले जाएंगे एक्सेल ऑप्शन, और यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे है शो मिनी टूल बार और सिलेक्शन, तो अगर ये बटन बॉक्स अनचेक होता है तो ये आपको मिनी टूल बार यहाँ दिखाई नहीं देगी, ये मैंने सिलेक्ट किया, कोई टूल बार नहीं है। ठीक है जी, मैं इसको ओके कर देता हूँ। दूसरी चीज ये है, जैसे मैं कोई भी इसमें जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन अभी चूज ही कर रहा हूँ, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, बट मैं चेंजेस देख रहा हूँ कि मैंने जो सेल सिलेक्ट की थी वहाँ इमीडिएट चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो इसे कहते हैं लाइव प्रीव्यू। कई बार ये भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन अनचेक है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा, मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक डेवलपर टूल बार है, ये डेवलपर टूल बार हमें मैक्रोस वगैरह में काम आती है। अगर ये बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑप्शन अनचेक्ड होगा, आप इसको चेक कर लेंगे तो डेवलपर टूल बार आपके सामने आ जाएगी। डेवलपर टूल बार आपका ये आपका बटन से काम करने में काम आती है, विजुअल बेसिक और मैक्रोस को करने में काम आती है। ठीक है जी, देन देखते हैं इसमें कलर स्कीम है। जो आप देख रहे हैं कि मेरी एक्सेल की स्क्रीन जो है टाइटल वगैरह जो है वो ब्लू में है, तो मेरे पास तीन कलर स्क्रीन में सिल्वर है, मैं चाहे तो सिल्वर कर सकता हूँ या ब्लैक भी कर सकता हूँ। तो सिल्वर, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक, मेरे पास तीन ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। दूसरा, जब हम शॉर्टकट जान रहे थे तो हम देख रहे थे स्क्रीन टिप, तो स्क्रीन टिप का स्टाइल्स है कुछ यहाँ पे, वो क्या है कि जो आपके फीचर्स की डिस्क्रिप्शन है एक शॉर्ट समरी टाइप की दिखाता है, वो दिखानी चाहिए स्क्रीन टिप में। इसमें सेकंड ऑप्शन कहता है कि नहीं दिखानी चाहिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि स्क्रीन टिप ही नहीं आए, तो स्क्रीन टिप बाई चांस कभी ना आ रही हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि मेरी जो एक्सेल की जो ये शीट है इसमें क्या है कि पांच शीटें हैं, ठीक है, एरियल का फॉन्ट है और 10 का साइज है। मोस्टली क्या होता है, कैलिबरी का होता है आपके पास, 10 का ही होता है फॉन्ट और तीन शीटें होती हैं, तो ये चीज आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हो कि फॉन्ट क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, व्यू कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे तीन व्यू है हमारे पास, ये हमारा पेज लेआउट व्यू है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और ये हमारे पास नॉर्मल व्यू है। यहाँ तीन व्यू है हमारे पास, तो ये जो व्यू है ये आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। आप एक्सेल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट चूज करेंगे इधर से, मान लीजिए मैं 12 का फॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल व्यू। शीट जो रहेंगी मेरी पांच नहीं रहेंगी, चार रहेंगे, ओके कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि ये तब इफेक्ट करेगा जब आप एक्सेल को रिस्टार्ट करेंगे, मैं एक्सेल को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने खोला तो आप देख सकते हैं साइज जो है मेरा फॉन्ट एरियल है, साइज 12 है, शीट 4 है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसके अंदर। देन बात आती है एडिट कस्टम लिस्ट की, ये ऑप्शन की। अब कस्टम लिस्ट क्या होती हैं, आपने कभी जैसे जनवरी फरवरी लेते हैं, इसमें जनवरी करा ड्रैग कर दिया, जनवरी फरवरी आ गया, रिपीट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे करना है अमाउंट का, इसको ड्रैग किया ये भी आ गया, पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। ये लिस्ट कहाँ से आ रही है आपकी? ये लिस्ट आपकी हमारी कस्टम लिस्ट में है। ऐसी कोई लिस्ट जो आप यूज करते हैं बार बार, आप इसमें ऐड करके रख सकते हैं, वो आपके एक्सेल में सेव होके रहेगी हमेशा।
जैसे कि संडे मंडे की जो है अनएडिटेबल है, ये पहले से होती है, संडे मंडे जनवरी फरवरी तक, यहाँ तक आपकी जो लिस्ट है ये पहले से ही रहती है, पर ये जो नाम वाली लिस्ट है ये मैंने ऐड करी है, उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड करी है, सिटीज़ की लिस्ट ऐड करी है। मैं अपना डेटा बहुत जल्दी जल्दी बना सकता हूँ। तो मान लीजिए हम कोई एक नई लिस्ट ऐड करते हैं, नई लिस्ट कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैं पोस्ट की लगाता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ पहले वीपी, वीपी जीएम, एजीएम, पहले डीजीएम होगा ना, डीजीएम, एजीएम, और फिर सीन चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और कर देता हूँ मैनेजर, इससे पहले कर देता हूँ असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ कर देता हूँ ऑफिसर। मेरी डेजिग्नेशन से मैंने कुछ बना दिया, मैं चाहता हूँ कि ये उस लिस्ट में आ जाए। एक्सेल ऑप्शन, एडिट कस्टम लिस्ट, मैंने क्या करना है, मैं या तो यहाँ टाइप कर सकता हूँ डायरेक्ट और ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं डेटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने इस क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ प्रेस किया, इंपोर्ट किया, आ गया, ऐड कर दिया। ओके ओके, तो अब जब भी मैं इनमें से कोई भी पोस्ट लिखूंगा मेरी ड्रैग हो जाएगी। मान लीजिए मैंने एजीएम ही लिख दिया, फिर तो वहाँ से नीचे तक आगे ड्रैग हो जाएगी। ठीक है जी, इसका यूज़ कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल ध्यान ये रख लीजिए कि इसका लिस्ट जो है आप इस तरह से लिस्टें बना सकते हैं, जैसे आप डेली का कुछ भी बना रहे हैं, जो आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं लिस्टें, वहाँ वो इसमें डाल के रख सकते हैं। ठीक है जी, इसका एक सॉर्टिंग में एक अच्छा खासा यूज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के कुछ ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला कुछ एक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ। अब देख रहे हैं कि डायरेक्ट चेंज हो रहा है। कई बार कि क्या होता है ना, ये फॉर्मूला आपका मैनुअल पे सेट होता है, यहाँ से जो कैलकुलेशन ऑप्शन है ये मैनुअल पे सेट हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपको इमीडिएट ये फॉर्मूला चेंज करके नहीं दिखाता। ठीक है जी, क्या करना होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला में जाके ऑटोमेटिक पे सेट कर देना है इसे। ठीक है जी, तो आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ फॉर्मूला टैब के अंदर, यहाँ पे भी होता है कैलकुलेशन ऑप्शन में। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन को कभी कभार कब ऑफ करते हैं, जब हमारी शीट जो है बहुत हैवी हो गई, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, तो कैलकुलेट होने में टाइम लगा रही है बार बार, तब इसको ऑफ कर देते हैं कि पहले सारा काम कर लें, उसके बाद एक साथ ही इसको कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इसके अंदर, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस। अब इटरेटिव कैलकुलेशन क्या कर क्या होती है, जो आपने देखा होगा एक सर्कुलर रेफरेंस की एरर आती है। अब देखिए सर्कुलर रेफरेंस की एरर क्या होती है, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों में एक फॉर्मूला लगा है, या एक उसको आसान में समझते हैं कि यहाँ पे मैंने फाइल हैंग होती है, मतलब कैसे फाइल है, चलिए मैं बता रहा था इसमें कि जैसे इटरेटिव कैलकुलेशंस क्या होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, उसका मैं बताता हूँ अभी, बड़ी फाइल को कैसे हैंडल करना है उसका भी तरीका है। इक्वल टू करके आपने यहाँ पे कोई नंबर दिया और कहा कि ये जो प्लस हो वो इस सेल में प्लस हो जाए, तो
ठीक है जी, मतलब 10 प्लस ये वाली सेल, ठीक है जी, और यहां मैंने दे दिया इक्वल टू 10 प्लस ये वाली सेल, आपस में फंस गए ये लोग। इसको कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस, आपकी सर्कुलर रेफरेंस की एरर आ गई, कि जब व्हेन अ फॉर्मूला रेफर्स बैक टू इट्स ओन सेल। अब इसमें क्या होता है कि अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इस वाली वैल्यू में 10 जोड़ूं, ये वाला कह रहा है कि मैं उस वाली वैल्यू में 10 जोड़ूं, तो जब वैल्यू 10 है तो वो जोड़े किस में, आपस में ही कंफ्यूज हो रहे। इसको कहते हैं इटरेटिव कैलकुलेशन। फॉर्मूला में जाके इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन करेंगे, और कितनी बार उनको करना है कि वो आपस में कितनी बार पास हो, यहाँ 100 बार करना है, 200 बार करना है, 10 बार करना है, जैसी भी कैलकुलेशन नीड हो उस हिसाब से कर सकते हैं, हालांकि हम लोग इसे यूज नहीं करते। तो मैंने 100 बार किया था, तो ये 100 बार आपस में कैलकुलेट हो गए, फिर स्टॉप हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से सर्कुलर रेफरेंस से भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल इसके लिए भी ये एक एरर ही है। देन देखते हैं कि उसमें आगे देखते हैं, एक आपके पास उसमें होता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। R1C1 रेफरेंस स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे ABCD कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे रो तो है हमारी कुछ 1 2 3 4, ये रोज है, ये कॉलम है। जब भी हम मान लीजिए यहाँ का रेफरेंस चाहिए, तो ये सेल कहलाएगी A1, ये सेल B4, तो इसका रेफरेंस स्टाइल है। मान लीजिए मैंने कोई भी लेना है, ये वाली लेनी है तो B4, ठीक है जी, ये रेफरेंस है, कहलाता है, इसका एड्रेस कहलाता है। दूसरा डिफरेंशियल स्टाइल है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं इसे, इसका मतलब है कि जहां पे आपका कर्सर है वहां से क्या डायरेक्शन है। तो क्या होगा इसमें, आपका 1 2 3 4 यहाँ इसमें रो में भी आ गया, कॉलम में भी आ गया। अब जिस सेल की हम बात कर रहे थे कि B4, अगर मैं इक्वल टू लगा के इसका रेफरेंस देता हूं, तो यहां पे क्या आ रहा है, R1C-3, यानी कि Row1 Column-3, Column-3 है, तो अब हम इसी कॉलम पे चल जाते हैं जहां पे वो था, खुद लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो RC लिखा हुआ है, यानी कि Row0 Column-0। अब हम क्या करते हैं, कॉलम में एक इंक्रीज करते हैं, कॉलम में, तो ये एक प्लस में चला गया, Row0 Column+, Row0 Column-2, मान लीजिए रो में बढ़ते हैं तो Row1 Column-2, Row2 Column-2, मान लीजिए माइनस में जाते हैं ऊपर, Row-1, रो में जा रहे हैं माइनस में, -2, इसी तरह से कॉलम में भी माइनस में जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ये आपका VBA में बहुत काम आएगा, आपको यहाँ पे कोई यूज नहीं है आपका इसका, ना ही इसको यूज करेंगे, VBA में आपके काम आएगा। ये भी एक रेफरेंशियल स्टाइल है ABC की तरह ही। देन आपके पास क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, चेक नंबर वगैरह डालते हैं, या जीरो हमें लिखना पड़ता है। अभी अगर हम जीरो लिखते हैं ऐसे करके, तो जीरो हम चाहते हैं रिटेन कर जाए, नहीं करता, ठीक है जी। जीरो रिटेन कराने के लिए क्या करते हैं, कोटेशन मार्क डालते हैं, देन जीरो इसमें रिटेन करेगा, ठीक है जी। जब ये रिटेन करता है, तो यहाँ पे क्या आती है, एक एरर दिखाता है, एवरग्रीन एरर। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये बोल रहा है नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट, यानी कि नंबर है टेक्स्ट की तरह स्टोर हो गया है। तो ऑप्शन आते हैं आपके पास कन्वर्ट टू नंबर, इग्नोर एरर, ठीक है जी। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके फार्मूला के अंदर एरर चेकिंग रूल्स हैं, और इन रूल में यहाँ पे ये रूल चेक है, नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट प्रीसीडेड बाय अपोस्ट्रोफी, तो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसलिए वो एरर आ रही है। तो आपको अगर उसका कलर चेंज करना है किसी भी एरर का, तो वो इसलिए होता है, यहाँ कलरिंग ऑप्शन होते हैं और दूसरा एरर के ऑप्शन यहाँ होते हैं, ठीक है जी। आप चाहते हैं किसी में भी ना चेक करें, तो इसको ऑफ कर दीजिए यहाँ से, ये करेगा ही नहीं, ठीक है जी। इसी तरह फार्मूला ऑटो कंप्लीट है, मतलब फार्मूला आपका आ रहा है, यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दिखा रहा है ये ना दिखाए, जैसे ये लिस्ट खुल रही है ये नहीं आ रही हो, तो वहां से आप जाके ओके कर सकते हैं, फार्मूला का फार्मूला में मिलेगा। देन चलते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने डाला, हमने देखा होगा कि कई बार जब हम
मिस्टेक करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में ये स्पेल चेक नहीं करता है, ठीक है जी। जैसे मैंने F7 दबाया कीबोर्ड से स्पेल चेकिंग के लिए, तो उसको ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे इस ऑप्शन में, हमारे प्रूफिंग में यह लिखा हुआ है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये आपका ये भी चेक करेगा। F7 कर देंगे हम तो ये इसकी भी स्पेलिंग चेक कर रहा है। ठीक है जी, कह रहा है सही ये है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दीजिए, चेंज करना है। ठीक है जी, देन उसके बाद आप क्या होता है, आप लिखना चाह रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर सी, एंटर दबाया हो गया कॉपीराइट में चेंज, ब्रैकेट के अंदर आर, एंटर दबाया हो गया ये आर के अंदर चेंज, रजिस्टर्ड के सिंबल, कॉपीराइट के सिंबल, बट आपको लिखना है सी, कैसे पॉसिबल होगा? आप यही प्रूफिंग ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पे हमारे पास है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ये वाला ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसको खोलेंगे। इसमें एक ऑप्शन है आपका रिप्लेस एज यू टाइप, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। अब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये सी लिखा आपने, इसके आज कॉपीराइट है, ये रिप्लेस हो रहा है। जैसे ही आप टाइप करते हैं ये वाला करेक्टर इससे रिप्लेस हो जाता है। जब इसको ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, अब नहीं हो रहा है। पर इसी चीज को मैं अपनी अपनी मतलब पावर भी बना सकता हूँ चाहूँ तो, कैसे अपने काम करवा सकता हूँ। जैसे आपके पास लॉन्ग लॉन्ग डेफिनेशंस है कुछ किसी चीज के, कोई आपको एक वर्ड बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है जी, अपना नाम ही ले लीजिए। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, SS टाइप किया, एंटर किया, आ गया मेरा नाम पूरा। ये कहाँ से करते हैं, वही प्रूफिंग ऑप्शन के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैंने दे रखा है SS संदीप सिंह करके, ऐड कर दिया था, यहाँ पे ऐड का साइन आ जाता है। जैसे मैंने करना है PK कर दिया, और मैंने कर दिया प्रदीप सिंह, ऐड कर दिया, अब ये डिक्शनरी में आ गया इसकी में, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो जैसे मैं PK दबा के एंटर मारूंगा नाम आ गया। ठीक है जी, तो इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम कोई भी ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो क्या होता है, ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाती है। ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो वो भी हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप एडिट करना चाहें तो बार बार क्लिक हो जा रहा है, बार बार साइट खुल जा रही है, इसको कैसे करना है? कहते हैं पहले टाइप ही कर लूं उसके बाद ही कन्वर्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफिंग में जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप यहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन में इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको ऑफ कर देंगे, आपका नहीं होगा। अब हम टाइप करेंगे तो नहीं लेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, अपने हिसाब से इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे। देन बात करते हैं सेविंग ऑप्शंस की। सेव में, अब सेव में क्या होता है कि हम लोग फॉर्मेट टाइप करते हैं, किस फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए। जैसे तब हमारा 2007 का सिस्टम आया था तो हम 97 और 2003 का फॉर्मेट यूज करते थे, तो किस फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए, क्या डिफॉल्ट फॉर्मेट होना चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने ले रखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, मतलब इसमें ये VBA की फाइल होती है, तो VBA जब भी आप कोडिंग करते हैं तो ये आपको चाहिए होता है। जैसे मैंने सेव एज का ऑप्शन खोला तो मेरा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक बाई डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है जी, दूसरा जो लोकेशन आ रही है वो डी आ रही है, एयरटेल का फोल्डर आ रहा है। ठीक है जी, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखा है सेविंग ऑप्शन में यहाँ पे कि डिफॉल्ट फाइल लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, यही देखेंगे यहाँ पे है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन इन 10 मिनट्स। ये क्या करता है, 10 मिनट में आपकी इसकी कॉपी बना बना के रखता रहता है,
भी अगर आपका अनएक्सपेक्टेड शटडाउन होता है सिस्टम में या लाइट चली जाती है, तो एक्सेल की फाइल जब आप खोलेंगे तो ये कहता है कि ये फाइल आपकी थी, डू यू वॉन्ट टू रिकवर दीज फाइल्स, ठीक है जी। तो वो इस लोकेशन पे आपकी सेव करके रखता है हर 10-10 मिनट में, ठीक है जी, ताकि कहीं कभी अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो तो आपकी फाइल बची रहे। यहाँ से जाके ले सकते हैं, पर उसी में ही एक ऑप्शन होता है कि वो डिलीट भी कर देता है जब आप उसको नहीं लेते, पर 2010 के अंदर आप ये चीज़ रिकवर कर सकते हैं, आपकी वहाँ सेव ही रहती है, हटती नहीं है। 2007 में हट जाती है, 2010 में आपकी फाइल रहती है। मेरे पास 2013 है, ये भी सेम है, आपकी फाइलें रहेंगी। अगर आपका इसमें कोई आपने नई फाइल बनाई विदाउट सेव करे भी, अपने बंद कर दी, तो आपकी वो फाइल रहेगी। तो हम इसमें यहाँ पे होता है फाइल के बटन में, ऊपर से देखें, यहाँ फाइल का बटन है, यहाँ पे होता है इन्फो में, ये मैनेज वर्जन्स, और यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। तो ये जो अनसेव्ड वर्कबुक है, मैंने कभी भी काम किया होगा तो ये बनी हुई मेरे पास आ रही है, पहले की कभी भी वैसे ही खोल के कभी काम किया होगा तो इसमें आ रहा है कि जी ये फाइल थी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको लेटेस्ट वर्जन्स में वो फाइलें मिल जाती हैं। देन अब देखते हैं इसमें क्या है, कि जैसे मैंने बताया था कि बड़ी फाइल है, ऑटो रिकवर सेव कर रही है, सेव हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, कैलकुलेशन में हैंग हो रहा है, बड़ी फाइल है, तो आप इसमें ऑटो रिकवर एक्सेप्शन सेट कर सकते हैं। जो भी वर्कबुक खुली होगी आपको यहाँ दिखाएगी, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, मतलब उस टाइम उसको इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए तो रिकवर सेविंग बंद कर देगा, और टेम्परेरी बंद करनी है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। परमानेंट बंद करनी है ऑटो रिकवर सेविंग तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके जो आप यूज कर सकते हैं हैंग, अगर आपकी फाइल बहुत ज्यादा हैंग हो। देन बात करते हैं, जैसे हम एंटर दबाते हैं तो ये नीचे जाता है, अगर आप बाई चांस आपका कीबोर्ड खराब, एरो की काम नहीं चल रही, तो एंटर से आप नीचे जाते हैं, शिफ्ट दबा के एंटर दबाएंगे तो ऊपर आते हैं, टैब से आगे जाते हैं और शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे तो पीछे आते हैं। तो एंटर से जो नीचे जाते हैं इसके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्सेल ऑप्शन में जाके यहाँ एडवांस का ऑप्शन है, तो आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, अब बाय डिफॉल्ट डाउन है तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि एंटर कहाँ जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इसको यूज ना करें बेहतर रहेगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। तो उसमें क्या है, जैसे मैं 1034 लिखा तो 10.34 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 2 डेसिमल्स तक एक्यूरेट, आपको नंबर डालने हैं खाली और ये 2 डेसिमल तक ले जाता है, ठीक है जी। तो इसकी अगर ज़रूरत है तो यूज़ करें, बेटर है ना यूज़ करें तो सही रहेगा, क्योंकि तो हम बोल भी सकते हैं, कोई डाटा की गड़बड़ भी हो सकती है इसमें, क्योंकि तो हम लोग का हाथ ऐसे सेट नहीं होता है। हटा देता हूँ। कई बार क्या होता है आपके सामने ना, आप ड्रैग करना चाहते हैं पर ये ब्लैक डॉट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ड्रैग कहाँ से करेंगे, ड्रैग करने के लिए तो डॉट चाहिए। तो क्या होता है उस केस में, आपका एडवांस में जाके इनेबल फिल हैंडल सेल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला ऑप्शन अनचेक होता है, इसको चेक कर दीजिए, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, देन आप ड्रैग कर पाएंगे। और देखते हैं एक्सेल ऑप्शन में जाके एडवांस में, तो ये ऑप्शन इसके इम्पोर्टेंट वाले हैं। नेक्स्ट है कि आप ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं कई कई जगह आपने चेंज कलर वाली शीट्स देखी होंगी, अगर नहीं चाहते ऐसा चेंजेस तो यहाँ से जाके एडवांस में आप ग्रिड लाइन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आते हैं कस्टमाइज में, जो कि मैं बता रहा था कि मैंने क्विक एक्सेल टूल बार में कुछ शॉर्टकट्स डाल रखे हैं,
तो वो यहाँ से डाले हुए हैं, पेस्ट एज वैल्यूज का फिल्टर का। मान लीजिए मैं हटा देता हूँ इन्हें, कहाँ से डालूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है होम टैब, होम टैब के अंदर है हमारा पेस्ट वैल्यूज का, तो ये बेसिकली अल्फाबेटिक है, तो पी में है पेस्ट वैल्यूज, यहाँ ऐड कर लिया। दूसरा मेरा है फिल्टर का, फिल्टर का कहाँ है, फिल्टर का था डेटा टैब में, ये रहा फिल्टर, ऐड कर लिया। ठीक है जी, ओके किया, मेरे दोनों साइन इधर आ गए। जब भी मुझे फिल्टर लगाना है बस मैंने ये मारा, आ गया। ठीक है जी, कहीं कोई फॉर्मूला है पेस्ट एज वैल्यूज करना है, यहाँ कर दिया। अगर मेरा माउस अच्छा है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है जी, वैल्यूज पेस्ट हो गई। देन इसमें आगे चलते हैं, कस्टमाइजेशन में यही होता है, कस्टमाइज में यही आप शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। देन हाँ, एक और बात, आपका 2010 और 2013 में जो आप डेवलपर बार ऐड करना चाह रहे हैं वो इसी साइट से होगी, यहाँ पे आपको सारी बार्स दिखाएगा ये। इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे है, और इसमें कस्टमाइज रिबन में आपके इस तरह से आते हैं, तो डेवलपर बार यहाँ से आती है। दूसरा, इसके अंदर जो कस्टम लिस्ट है, यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट नहीं दिखाता है जनरल के अंदर, कस्टम लिस्ट जो है वो एडवांस के अंदर आपकी डाउन में होती है, यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट। तो ये दो बेसिकली इसके अंदर अंतर है, बाकी और सारे सेम ऑप्शन सेम है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं एडिंस। एडिंस हो गया, वीबीए प्रोग्राम हो गया, या पावर पाइवट हो गया, कई बार हमें कुछ ऐसे ऑप्शन एक्सेल के अंदर ऐड करने हैं, तो हम वो सब यहाँ से एडिंग्स के जरिए ऐड कर सकते हैं। तो एक्सेल एडिंग्स मैंने जा रहा है गो, यहाँ पे आपके एडिंग्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई करने हैं इनमें से कर लीजिए। ब्राउज करना चाहते हैं ब्राउज करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एडिंग फाइल होगी, FLA एक्सटेंशन से होती है वीबीए फाइल, मतलब दूसरी फाइल के वीबीए हम इस फाइल में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रेस करके ओके करेंगे, यहाँ दिखाएगा, उसको क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका एक्सेल के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एडिंस के अंदर आपका यही होता है, बाकी 2013 में देखेंगे तो कॉम एडिंस होते हैं। कॉम एडिंस मतलब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मुझे पावर पाइवट ऐड करना है, मैं जाऊँगा ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एडिंस में गया, एडिंस में मैंने क्या किया, कॉम एडिंस लिए, कॉम एडिंस हो गए कुछ एक्सेल के स्पेशल फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, यहाँ पावर पाइवट आ गया मेरा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एडिन ऐड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। देन बात करते हैं ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर में क्या है, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, यहाँ पे आपका एक मैक्रो सेटिंग है इनेबल डिसेबल करने के लिए, मैक्रो नहीं चल रहे हैं आपके तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एक्टिव एक्स हो गए कंट्रोल्स हमारे, उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स उनके लिए, सिक्योरिटी से। एडिंस कोई नहीं चल रहे हैं तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, एडिंस में भी डिसेबल। ठीक है जी, मैसेज बार आती है यहाँ पे, पीली सी मैसेज बार आ जाती है कि आपका कंटेंट ब्लॉक्ड है और व्हाट, तो वो यहाँ से आप मैसेज की सेटिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंटेंट यानी कि बाहर से कहीं से डेटा ले रहे हैं, दूसरी फाइल से पाइवट टेबल लगा रखी है या किसी सर्वर से ले रहे हैं, तो इनेबल डिसेबल सेटिंग यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ की सिक्योरिटी सेटिंग ट्रस्ट सेंटर में, कि कौन सी एप्लीकेशन चलनी चाहिए कौन सी नहीं चलनी चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी रिसोर्स में आपके कुछ नहीं है खास, एक्टिवेट विंडो वगैरह और अबाउट ये सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेशन शॉर्टकट्स कस्टमाइजेशन का। ठीक है जी, बाकी कल हम लोग करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर क्या है कि आपका ये जो नंबर टैब है यहाँ पे, ये जो नंबर है इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, और ये कस्टम
का है, इसको देखेंगे इन कोड्स का क्या मतलब है, कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये चीज़ कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए विदा लेते हैं। कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी है, जो कल का सेशन था वो आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर, ओके।